हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं भी बना रही हूँ खीर, और खीर बनाने के साथ साथ ही मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और जो खीर है आधी बन चुकी है, एंड उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और सारा कुछ मैंने इसमें मिक्स कर दिया, जैसे शुगर भी मैंने मिक्स कर लिया है और जो कुछ मुझे खीर में डालना था सब कुछ मैं मिक्स कर ले रही हूँ। और मुझे बस इसको थोड़े थोड़े अच्छे से पकाना है, क्योंकि जब भी मैं खीर बनाती हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाती हूँ, क्योंकि ऐसी खीर बहुत ही अच्छी बनती है। एंड उसके बाद ये सब्ज़ी मुझे बनानी है जो मैं बना रही हूँ, सोयाबीन एंड आलू की सब्ज़ी। तो बस आजकल जैसे भी चलता है ना, सोयाबीन बना लो, कढ़ी बना लो, मतलब सब्जियों का कम यूज़ हो ऐसा लगता है। तो बस आलू और सोयाबीन की आज मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेड को सेक रही थी सुबह सुबह खाने के लिए, स्पर्श को भी देना था और मुझे भी खाना था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मेरे को भूख लग रही थी। बट मैं अभी तो फ़िलहाल तो स्पर्श को ही देने वाली हूँ। तो ये छोटे छोटे वाले ब्रेड आए हुए हैं, पापा यहीं लेके आए थे, क्योंकि आजकल चीज़ें मिलना भी मुश्किल हो गई है। और उसके बाद मैं आ गई थी फिर पूजा करने के लिए, तो मैंने पूजा कर ली है अभी। तो पूजा करने के टाइम मैंने थोड़ा सा क्लिप उसके बाद बनाया, तो बस मेरी पूजा हो चुकी है और मम्मी भी पूजा कर लेती हैं, मेरे पहले मम्मी पूजा कर लेती हैं एंड उसके बाद फिर मैं करती हूँ थोड़ा बहुत खाना वगैरह जो भी है बना लेती हूँ, एंड उसके बाद फिर मैं पूजा करती हूँ। और स्पर्श को भी मैंने नहला दिया था, एंड उसके बाद फिर मैं आज साड़ी पहन के पूजा करी थी। तो ये वाली मैंने आज साड़ी डाली है, आप लोग देख लो, ये फर्स्ट टाइम मैंने ये साड़ी डाली है। इसका ब्लाउज़ तो मैंने यूज़ करा था बट साड़ी मैं अभी तक नहीं डाली। तो ये है साड़ी, बिल्कुल प्लेन है और इस टाइप की साड़ी मुझे अच्छी लगती है, और ये बिल्कुल लाइट कलर है, तो मैं लाइट कलर वैसे ही कम डालती हूँ। लेकिन मैं बस यहाँ पे खड़ी हूँ कि आप लोग साड़ी का पूरा लुक देख लो, फिर उसके बाद कॉमेंट्स आते हैं कि आपने दिखाया नहीं, फिर मेरे को दिखाना पड़ता है। एंड उसके बाद मेरी पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी थी और मैं यहाँ पर आई हूँ वो जो मैंने साड़ी डाला था उसको फोल्ड करने, क्योंकि इस टाइम पर चल रही है नवरात्रि और ऐसा थोड़ा बहुत जो भी है, और ससुराल में हूँ तो थोड़ा बहुत फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स वगैरह। एंड साइड में आपको सोफे पे कपड़े दिख रहे होंगे, तो वो कपड़े हैं जो मुझे अभी फोल्ड करने हैं, बट मैं टाइम नहीं मिल पा रहा है। अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, और अभी टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो चुका था। एंड यहाँ पे मैंने रूम का जो डोर था वो मैंने बंद करके रखा था। उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ खाना खाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है अपने लिए खीर, और उसके बाद मैं निकाल रही हूँ रोटी। तो सारा खाना बन चुका था, बस मुझे खाना, तो मैं स्पर्श के लिए भी लेके जा रही हूँ एंड मैं खुद भी खाऊँगी। यहाँ पर मैं पानी गर्म कर रही थी जिसमें मैंने डाला था अजवाइन, क्योंकि स्पर्श ने रो रहा था, तो मेरे को लगा चलो अजवाइन वाली पानी, ज़्यादा मैंने अजवाइन नहीं डाला है, थोड़ा सा डाला है, क्योंकि ये पानी फिर मैं अपने बोतल में रख लूँगी गर्म वाले बोतल में। और एक जग भी है, तो जग वाला जो है वो मम्मी के लिए रख देती हूँ, वो उसमें से पीती हूँ, और ये मैं अपने रूम में रखती हूँ, क्योंकि मैं ये वाला जो बोतल था मैं वहाँ से लेके आई थी। एंड उसके बाद किचन की क्लीनिंग भी मैंने कर दिया था खाना बनाने के बाद, तो गैस वगैरह भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। एंड देन मैं डाल दूँगी बोतल में पानी, और उसमें से मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, तो थोड़ा सा ही मैंने अजवाइन डाला ताकि अच्छे से इसका फ्लेवर भी आ जाए और अगर पेट दर्द हो रहा हो तो वो भी ठीक हो जाए। एंड उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, और स्पर्श यहाँ पे कर रहा था मस्ती, और उसकी मस्ती तो चालू रहती है हमेशा। और ये वाला जो कुर्ती है मैंने इसको थोड़ा सा फिट किया था ना, ये कुछ ज़्यादा ही फिट हो गया और मुझे कम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा था, बट देखती हूँ एक दो दिन बाद इसको थोड़ा सा लूज़ करूँगी मैं, क्योंकि ज़्यादा फिट हो गया था। यहाँ पर मैं सामान को छुपाती हूँ और स्पर्श निकालता रहता है इसमें से, क्योंकि इसमें थोड़े से बॉक्सेस वगैरह दिए हुए हैं बेड में, तो वहाँ पे मैं सामान अच्छे से स्टोर कर देती हूँ, छुपा भी देती हूँ जो। और मेरे को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था हेड में, एंड ये शाम का क्लिप है, मैंने दोपहर से कुछ भी सूट नहीं करा था। शाम को आई थी छत पे मैं स्पर्श को लेके, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही परेशान हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, ये भी खुद बाहर से घर से बाहर नहीं, मेरी तो आदत है मैं यहाँ आती हूँ तो घर में रहती हूँ, लेकिन इसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहा था। तो मैं छत पे आके बैठी थी और स्पर्श को, इसी की वजह से मैं छत पे आई थी, मुझे मन नहीं था, लेकिन इसकी यहाँ मैं थ्रेडिंग देख रही थी कि कितना ज़्यादा निकल गया है, बट हम तो बाहर जा नहीं सकते। एंड स्पर्श के टी शर्ट का कलर एंड मेरे दुपट्टे का कलर बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पे है मेरे देवर जो अभी आए थे वो भी, तो यहाँ पे मैंने उनको कैप्चर किया तो वो हंस रहे थे, और उसके बाद पापा भी आए हैं छत पे, तो थोड़ी देर बाद पापा आए थे एंड उसके बाद ये लोग इधर साइड में थे एंड मैं एक साइड में बैठी हुई थी। तो यहाँ पे पापा के पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो जिसकी वजह से डॉक्टर ने ये बताया है ऐसे पहनने के लिए, तो पापा ने पहना है, तो थोड़ा सा ना घुटना के पास से ना उनका मुड़ नहीं पा रहा है पैर,
तो इसी वजह से पापा को डॉक्टर ने ये बोला है, और यहाँ पे स्पर्श लेके जा रहा था उनको नीचे कि चलो चलो, पापा बोले कि बाद में चलूँगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं रूम का थोड़ा बहुत सूट करी, एंड यहाँ पे मैं जा रही थी सोफ़ा का मैंने कवर दोनों दोनों सोफ़े के, देवरानी के रूम का भी मैंने चेंज किया है एंड इस रूम का भी, तो मैं यहाँ पे आज वाइट वाला डाल देती हूँ, क्योंकि पता है वो मैरून डालते हैं यहाँ पे काफ़ी दिन मेरे को रहना भी है और मैं बोर हो चुकी थी मैरून वाले से, और ये कवर फिर मैं आज इस पर डाल दे रही हूँ। और ये मैं शादी के टाइम लेके आई थी, उसी टाइम का ये सोफ़ा कवर है, और उसके बाद मरून वाला मैं बाद में लेके आई थी वहाँ से ही, मायके से ही, मम्मी ने ही दिया था। एंड ये वाला मैं डाल रही हूँ, मुझे काफ़ी पुराना हो चुका है और बट मुझे अच्छा लगता है। तो वाइट क्या है ना, वो डालते डालते मैं बोर हो चुकी थी, लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा होगा वहीं डला हुआ था, लेकिन इस टाइम पर जब मैंने वॉश करा तो मैं सोची कि चलो मैं आज वाइट वाला ही चेंज कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना तो मूड भी अच्छा रहता है और थोड़ा सा जो कमरे की रौनक होती है वो भी अलग सी आती है। तो बस इसको मैं यहाँ पर बिछा ले रही हूँ, और इसका जो एक बड़ा वाला सोफ़ा ही मैंने अपने रूम में रखा है, बाकी जो दो सोफ़े हैं उसको मैंने अपने रूम के जस्ट बाहर रखा है, जहाँ पे फ्रिज आप लोग देखते होंगे वहाँ पे उसके बगल में मैंने दोनों सोफ़े को लास्ट टाइम मैंने दिखाया था कि मैंने रख दी थी जब मैं आई थी, तो वहाँ पे भी सही रहता है कभी बैठने वगैरह के लिए। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने के लिए, जो मैंने सुबह दिखाए थे ना वो कपड़े मैं अभी तक फोल्ड नहीं करी, तो बस मैं इसको फोल्ड करने लगी हूँ। कमेंट्स को लेके आप लोगों से बात करनी थी मुझे, और कमेंट्स ये आ रहे हैं कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, इसी वजह से मैं ससुराल में रुक गई हूँ। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर कोई अगर किसी की शादी हो चुकी है तो क्या वो ससुराल में नहीं रुक सकती, वो नहीं रह सकती ससुराल में, क्या वो ज़रूरी है कि अपने हस्बैंड के पास ही रहेगी? और आप लोग जहाँ तक मेरे ब्लॉग्स देखते हैं मैं हस्बैंड के पास ही रहती हूँ, लेकिन अगर मुझे ससुराल में रुकना है तो ये क्या इसकी वजह से ही रुकी हूँ, रीज़न क्या है? मतलब कुछ भी बोलते हैं यार यहाँ पे ना, कोई भी आके कुछ भी कमेंट्स कर देता है, बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। अब क्या वो मेरे घर में रहते हैं जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, आप लोग आके मेरे घर में रहते हो और मैं ऐसा जवाब, जैसे आप लोग जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो मैं चाहूँ तो उस लैंग्वेज में मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ, बट मैं फिर अपना लैंग्वेज ख़राब करना नहीं चाहती, क्योंकि ये ऐसे ना फालतू कॉमेंट्स करना बंद कर दो, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसी इस तरीके से मैं किसी को जवाब दे रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस तरीके से मैं किसी को जवाब दूं, बट ऐसे कमेंट्स करना बंद करो। और मैं हमेशा हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ, लेकिन अगर मैं 4 दिन के ससुराल रुक गई, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच नहीं बन रही है, कैसे कैसे कमेंट्स करते हो यार, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। क्या एक बहू का फ़र्ज नहीं होता है कि वो अपने सास और ससुर के पास रुके, उन लोगों के पास कुछ दिन टाइम स्पेंड करे? और जो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं शायद वो लोग ऐसे होंगे कि उनको फैमिली से कोई मतलब नहीं रहता होगा, या फिर उनको उनके हस्बैंड से मतलब नहीं रहता। और मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी खुश होते हैं कि मेरे मम्मी पापा के पास रह रही हूँ कुछ दिन के लिए, क्योंकि मुझे तो रहना हस्बैंड के पास ही है। लेकिन कमेंट्स करने के पहले ना 10 बार आप लोग सोच लो कि आप लोग कमेंट्स क्या कर रहे हो, और आगे से अगर ऐसे कमेंट्स आए ना तो मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल सी वीडियो बना दूंगी जो लोग मेरे को ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। अगर किसी को, मैं सब लोगों को नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों को बोल रही हूँ जो ऐसे मेरे चैनल पे आके कमेंट्स किए जा रहे हैं। एंड देन यहाँ पे मैं अपनी कुर्तियाँ फोल्ड कर रही हूँ, अपनी कुर्तियाँ अलग रख दे रही हूँ, एंड यहाँ पे इस रूम में मैं वो कपड़े लेके आई हूँ जो मेरे हैं एंड मेरे बेटे के हैं, बाकी मम्मी के कपड़े मैंने अलग रख दिए हैं फोल्ड करके, एंड पापा के अलग रख दिए हैं, और मेरे देवर के जो कपड़े थे वो अलग रख दिए हैं। और देवर के कपड़े जो हैं वो मेरे को कल वॉश करना है, तो कल मैं उसको वॉश करूँगी। देन ये वाली जो दुपट्टे थे ये बाहर ही रख गया था लास्ट टाइम मेरा, तो मैं इसमें ना थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि दाग सा लग गया है, क्योंकि बाहर जो सामान रह जाता है मैं अलमारी में इसको नहीं रख पाई थी, लास्ट टाइम मैंने इसको लास्ट ही डाला था तो मम्मी ने उसको वॉश करके और रख दिया था मेरी अलमारी में, बट ये दुपट्टा बाहर ही रह गया था तो इधर उधर पड़ा हुआ था। तो क्योंकि मम्मी की तबीयत उतनी ठीक नहीं रहती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ उनकी तबीयत ख़राब हुई रहती है, और बस इसी वजह से ना किसी का रहना ज़रूरी होता है। मैं लास्ट टाइम रुकी थी लेकिन बीच में उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, और इस टाइम सोची चलो अब रह ही जाती हूँ, और लॉकडाउन की वजह से तो अब रहना भी है मुझे यहाँ पे। शाम हो गई थी, मच्छर भी बहुत लग रहे थे, मैं यहाँ जला रही थी फास्ट कार्ड, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं मच्छरदानी भी लगा के सोती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मच्छर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लगते हैं। और फास्ट कार्ड, अगर मैं एक फास्ट कार्ड जला देती हूँ ना तो उसके बाद कम से कम 2-3 घंटे तो बिल्कुल भी मच्छर नहीं आते, एकदम रूम
आराम से रहती हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ देवरिया में, मच्छर की जो क्वान्टिटी है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत मच्छर है यहाँ पे। बट फास्ट कार्ट से मेरे को बिल्कुल भी आराम दिन में नहीं लगते हैं बिल्कुल, बट शाम स्टार्ट होती है ना तो फिर शाम से मच्छर आने शुरू हो जाते हैं। तो बस मैंने इस प्लेट्स में ही जला लिया क्योंकि हमेशा मैं इसी में जला देती हूँ। उसके बाद ये दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम है, मैं यहाँ पर एरोबिक्स कर रही थी तो मैंने इसका थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। और यहाँ पे इस पर्स अभी सोया हुआ था, वो उठा नहीं था, तो उठने के बाद मेरा जो रूटीन है वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और सबसे पहले तो मैं ब्रश करने के बाद एरोबिक्स ही करती हूँ, गुनगुना पानी पीती हूँ, एरोबिक्स करती हूँ, और उसके बाद फिर जो भी काम है। तो यहाँ पे इस पर्स सोया था, नेट भी लगा हुआ था, तो फिर मैंने मेरे को ना यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी। और मैं अपनी एक्सरसाइज मैं अपने बेडरूम में ही करती हूँ क्योंकि फिर बेडरूम तो बहुत है, साधना का भी रूम है और मेरी छोटी देवरानी का भी रूम है, फिर मेरा फिर और भी रूम है, हॉल है। बट वहाँ पे मेरे को इसी में ठीक लगता है कि मैं आराम से करती हूँ। यहाँ पे मैं चुन्नी को डाल ले रही हूँ क्योंकि मेरे को लगा यहाँ पे मैं स्पर्श को आवाज़ दी बट वो नहीं उठा। मैं सोची चलो एक साइड का मैं ओपन कर देती हूँ, मतलब खोल देती हूँ मच्छरदानी को, और दूसरी साइड में मेरा जो भी वर्कआउट है वो मैं अपना कर लेती हूँ। क्योंकि ये मेरे को करना ना, जब तक नहीं करती हूँ, अगर मेरे को लेट हो जाता है, सोचती हूँ कभी कभी कुछ खाना बनाने के बीच में भी आके मैं कर लेती हूँ, मेरा जो 15 या 20 मिनट जो भी होता है ये मैं डेली का है मेरा, क्योंकि मैं कल के ब्लॉग्स में भी आप लोग साथ शेयर करी थी। यहाँ पे बस मैं अब स्पर्श को उठाने वाली थी और मैं सोची कि चलो नेट वगैरह जो भी है उसको खोल देती हूँ, और मैंने ब्लैंकेट से यहाँ से हटा दिए थे, चादर मैंने रख दिए थे। उसके बाद ये सुबह सुबह मेरे देवर जी ये सब्जियाँ लेके आए थे और वो गए थे मंडी, बट मंडी में इतनी भीड़ थी, एक जगह कम से कम 10 लोग इकट्ठे थे, तो वो वापस वहाँ से चले आए और जैसे तैसे जो शॉप से साइड में जो सब्जी लगा के रखते हैं ना उनसे ही उन्होंने लिया है, क्योंकि भीड़ में बिल्कुल भी इस टाइम नहीं जाना है। और सबको ये चीज़ ना सोचनी चाहिए, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भीड़ में इकट्ठा करने लगते हैं। उसके बाद मम्मी ने इसको अच्छे से वॉश करके रख दिया था। और चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को इन करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।